हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एग मसाला की रेसिपी। ये एग मसाला थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं हम। ये बहुत ही टेस्टी, शॉर्ट और क्विक रेसिपी है, फटाफट बन जाती है 5 मिनट में। तो ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग मसाले के लिए सबसे पहले ये कढ़ाई ली है, इसका गैस ऑन कर लिया है मैंने। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, लगभग 4 से 5 चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें तेल हल्का गर्म हो गया है, इसमें ऐड करेंगे ये हरी मिर्च और इसमें अब ऐड करेंगे ये 7 से 8 कड़ी पत्ते हैं, ये डाल दिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये मीडियम साइज की 3 प्याज है, 3 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज है। अब इसे अच्छी तरह से प्याज सॉफ्ट होने तक हम हाई फ्लेम पर ही अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। देखिए, प्याज ऐसी हमारी थोड़ी सी पिंक से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें ये 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। ये सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अभी मसाले अच्छी तरह से पकने तक इसे हम भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कटी हुई टमाटर और टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसे ढककर पकाएंगे हम। देखिए, लगभग 2 मिनट हो गया है, चेक करते हैं ये मसाला हमारा। ये देखिए, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। ये थोड़ा सा एक चौथाई कप तक पानी इसमें ऐड करके इसे बस ढककर थोड़ा सा 2 मिनट और हम इसे पकाएंगे। इसे स्लो गैस पर ही पकाना है हमें, नहीं तो मसाला जलने लगेगा, तो इसलिए स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। देखिए, मसाला जब तक रेडी हो रहा है हमारा, ये देखिए, ये 5 अंडे हैं जो बॉईल किए हुए हैं। बॉईल करके मैंने इन्हें छील लिया है, तब तक इसे काट लेते हैं। देखिए, इन अंडों को हमें ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तो देखिए, इस तरह से 5 अंडे काट लिए हैं मैंने। अब चलते हैं मसाले की तरफ। देखिए, मसाला ऑलमोस्ट रेडी है हमारा। इसे थोड़ा सा इसे हम ऐसे क्रश कर लेंगे ताकि जो थोड़े अच्छे टमाटर हैं वो थोड़े मैश हो जाएं। देखिए, तेल कितनी अच्छी तरह से अलग हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, लगभग 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। ये 1/2 ग्लास पानी डालकर 1 उबाल आने तक पकने देंगे। इसे ढक देंगे, ढक कर पकने देंगे। देखिए, 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट। हाँ, ये इसे मसाला रेडी है हमारा अच्छी तरह से। अब इसमें हम ये कटे हुए अंडे डाल देंगे। देखिए, सारे अंडे डाल दिए हैं। इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
देखिए इसमें पानी डालने का मेन रीज़न ये है कि जब हम लोग एग योग जो होता है अंडे का येलो पार्ट वो भी इसमें कट करके हमने डाला है, तो जब पानी डालते हैं और ये पकते पकते वो मिक्स हो जाता है ग्रेवी में, तो एक अच्छी सी थिक ग्रेवी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी रहती है। इसीलिए देखिए ये बस एक मिनट लगभग और पका लेंगे हम इसे और रेडी हो जाएगा एग मसाला हमारा। तो देखिए एक मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। फटाफट 5 मिनट में हो जाता है ये एग मसाला, और इसे पकाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि बॉइल्ड एग है। बस अब इसे इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती थोड़ी, देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा एग मसाला। इसकी ग्रेवी भी देखिए काफ़ी थिक हो गई है। तो चलिए गैस बंद कर लेंगे और अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए बाउल में सर्व कर लिया है मैंने इसे। अब इसे थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। तो ये एग मसाला ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी, ये चपाती और राइस दोनों के साथ बहुत अच्छा जाता है। और इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अभी के लिए बाय।